ठंड का मौसम है और जमशेदपुर में तिब्बत मार्केट का अलग ही क्रेज है। हालांकि पिछले साल कोविड के वजह से थोड़ा सा इधर उधर हुआ, लेकिन इस बार विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन फिर से तिब्बत मार्केट हमारे शहर में आ चुका है। और आइए देखते हैं किस तरीके का इस बार का माहौल है, क्या क्या है, कितने सारे शॉप्स है, सब कुछ आपको बताएंगे। टाइमिंग वगैरह कब तक लगे हुए हैं, तो बने रहिए वीडियो में आगे। और मैं विक्टर जमशेदपुर मिरर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये यहाँ पर बात करते हैं तिब्बत मार्केट के प्रधान जी से, यशी फिनसोक जी से, और इनसे बात करके जानेंगे कि इस बार कब से कब तक है ये मार्केट, कैसा क्या व्यवस्था किया है, कितने सारे स्टॉल्स हैं। सबसे पहले सभी जमशेदपुर वासियों को हम सारा तिब्बत मार्केट के तरफ से, सभी मेंबर और लोगों के तरफ से सभी का हम जो है स्वागत करते हैं इस मार्केट के अंदर इस साल के लिए। और ये मार्केट जो चलेगा मतलब ये 27 तारीख से लेकर चला था अक्टूबर 27 से, अभी ये जनवरी 25 तक के लिए चलेंगे। और यहाँ पर पिछले साल के तरह ही हमारे यहाँ पर 90 दुकानें हर साल होते हैं इस मार्केट में। अभी इस साल वैसे तो हर साल में फैशन के जैसा जैसे जैसे फैशन चलता है उसी तरह से सारे सामान का बदली होता है, लेकिन हमारा इस साल में और भी उससे भी ज़्यादा तरक्की, हर चीज़ जो है नए फैशन है, फैशन के तौर पर हर कपड़ा वगैरह चीज़ें हैं और रंग बिरंग के सब बुजुर्गों आज पैदा हुए बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक के लिए गर्म कपड़ा का यहाँ पर उपलब्ध है। और साथ ही साथ ही उसका दाम के हिसाब से जैसे चीज है उसी मुताबिक रिजनेबल रेट पर हमारा इस मार्केट को चलते हैं, आज तक चला और आगे भी इसी तरह चलने का उम्मीद है, जाहिर करते हैं। और ये लोग भी आते हैं विभिन्न जगहों से, दूर से, कोई कर्नाटक से, कोई उत्तराखंड से, कोई सिक्किम से। तो आशा है ये वीडियो के माध्यम से आप लोग इस बात को समझेंगे कि ये भी जब आते हैं तो इनके यहाँ पर भी आइए, विजिट करिए, आके इनका मनोबल जरूर बढ़ाइए और देखिए वाकई में क्वालिटी वगैरह सब सही है, अच्छा है। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आप यहाँ से खरीदते हैं तो आपको कैसा लगता है, क्या है आपका यहाँ का एक्सपीरियंस। और इसे मिलते रहेंगे आप सभी के साथ में कोई नए लाइव वीडियो पर। मैं विक्टर जमशेदपुर मिरर से फिलहाल के लिए विदा लूंगा, बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत।